A very good morning, my dear students. We are continuing the chapter 5, therapeutic approaches. Our chapter is completed and today in this video we will discuss some questions, okay, which are related to the chapter 5. But before starting the questions, let's summarize the chapter 5. So the chapter starts with the concept of psychotherapy, what is psychotherapy, then the aims of psychotherapy, the therapeutic relationship, then the major approaches, the three major approaches which are compared on the basis of six dimension. After that, the major approaches in detail, the psychodynamic, behavioral, cognitive, humanistic existential and the biomedical therapy. And after that, and we had discussed about some factors which influence our outcome of the therapy and some ethical principles which are important for being a practitioner. And in last section, there is a rehabilitation concept, how we rehab the mentally ill patients. Okay, in this section, we had also covered the meditation and the yoga techniques. Okay, so this is the summary of the your chapter 5. This is the summary. And before it, let's start the question answer. First of all, NCERT question. NCERT questions. Okay. So, your first question is, describe the nature and scope of psychotherapy and highlight the importance of therapeutic relationship in psychotherapy. ठीक है, आपके चैप्टर के जस्ट बिगनिंग में ये कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज साइकोथेरेपी, व्हाट आर द एम्स ऑफ साइकोथेरेपी, और यू कैन से द गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, एंड आफ्टर दैट द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. सो यू हैव टू मेंशन हियर द डेफिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी, विच इज साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, वन हु सीक हेल्प एंड द अदर हु इज रेडी टू प्रोवाइड द हेल्प, दैट इज द थेरेपिस्ट, एंड इट इज गिवेन अंडर थेरेप्यूटिक कंडीशन. एंड वेरियस अप्रोचेस जिसके थ्रू हम इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है इस डेफिनेशन से. आफ्टर दैट द मेजर पॉइंट विच यू कैन से वी कैन से द गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी और यू कैन से एम्स ऑफ साइकोथेरेपी. ठीक है, वो कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल री इन्फोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट, लीजिंग इमोशनल प्रेशर, अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं जो कि स्टार्टिंग में आपके चैप्टर में मेंशन है. देन द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, in this you have to mention the concept of empathy and unconditional positive regard, and the last one is the confidentiality. theek hai, jise genuineness bhi keh sakte ho, non judgmental attitude, ye sare points aapko is section mein therapeutic relationship mein discuss karne hain. After that, next question is the, what are the different type of psychotherapy, on what basis are they classified. ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी एंड द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, इन तीनों थेरेपी का जो हमने कंपैरेटिव एक चार्ट शेयर किया था आपसे, जहां पे सिक्स डायमेंशन थे और इन तीनों थेरेपीज को कंपेयर किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिक्स डायमेंशन, वो आपको यहाँ मेंशन करना है. बेसिकली द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, एंड हाउ द कॉज इज कम इन टू एग्जिस्टेंस, देन द मैथड ट्रीटमेंट, मैथड क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए एंड ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए. सो इस बेसिस पे, एंड लास्ट इज द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट, इस थेरेपी से बेनिफिट क्या आना चाहिए क्लाइंट का, इस बेसिस पे आपको तीनों थेरेपी को कंपेयर करना है. अगर आप चार्ट बेस पे कर रहे हो तो दिस इज वेरी गुड, अदरवाइज आप ऐसे भी पॉइंट के बेसिस पे कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थेरेपिस्ट आस्क द क्लाइंट टू रिवील ऑल हिज और हर थॉट्स इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, डिस्क्राइब द टेक्निक एंड टाइप ऑफ थेरेपी बींग यूज. ठीक है, अगेन रिपीट द क्वेश्चन, अ थेरेपिस्ट आस्क द क्लाइंट टू रिवील ऑल हिज और हर थॉट्स इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, डिस्क्राइब द टेक्निक एंड टाइप ऑफ थेरेपी बींग यूज. सो डेफिनेटली दिस इज द साइकोडायनेमिक थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी या साइको एनालिसिस थेरेपी जिसे हम कह रहे हैं, उसमें ही चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रीली फ्री एसोसिएशन मेथड में फ्रीली एक्सप्रेस करने को कहा जाता है वट एवर थॉट्स दैट आर कमिंग कम ऑन योर माइंड. ठीक है, उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने को कहा जाता है. सो दिस इज द डेफिनेटली साइको एनालिसिस थेरेपी. So introduction of the psychoanalysis therapy, after that the what are the
टू बेसिक टेक्निक्स, दैट इज द फ्री एसोसिएशन एंड द ड्रीम इंटरप्रिटेशन. उसके बाद थेरेप्यूटिक मोडालिटी जिसमें हमारा ट्रांसपेरेंस, रेजिस्टेंस एंड द इंटरप्रिटेशन, क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन वर्क के थ्रू, ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे. एंड द ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल में करना है. आप इसे फेज वाइज भी कर सकते हो, द इनिशियल फेज, मिडिल फेज एंड द लास्ट फेज, इसके बेसिस पे भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो. बट आपको मैटर तो यही एक्सप्लेन करना है, द इंटरप्रिटेशन, रेजिस्टेंस एंड ट्रांसपेरेंस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स यूज इन बिहेवियर थेरेपी. इन दिस यू हैव टू डिस्क्राइब द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर थेरेपी, द एंटीसिडेंट ऑपरेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन एंड द एक और जो ऑपरेशन था, ठीक है, जहां पे हम इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है. आफ्टर दैट द डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, जितने सेवन टेक्निक्स है, द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एवर्सिव कंडीशनिंग, देन सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग, ठीक है, ये जितनी भी टेक्निक है आपको, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, ये सारी आपको वहां पे मेंशन करनी है. देन इन डिटेल, ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी थेरेपी एक एक एग्जाम्पल के साथ डिटेल करनी होगी, तो इट्स वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस टेक प्लेस, ठीक है. सो बेसिकली आरन बेक की जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसमें आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और स्कीमास वगैरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोर स्कीमास का, तो वो इसमें एक्सप्लेन करना है आपको, द होल थेरेपी ऑफ द आयरन बैक, ठीक है. आयरन बैक की पूरी जो थेरेपी है वो डिटेल में आप एक्सप्लेन करना है, दिस इज दी ओनली थेरेपी जिसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वाला कॉन्सेप्ट है. देर आर थ्री थेरेपी इन अ कॉग्निटिव थेरेपी सेक्शन, द सीबीटी, आयरन बैक थेरेपी एंड द आरएटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी. सो यहाँ पे आपको सिर्फ आयरन बैक की थेरेपी जो है, विच इज बेसिकली नोन एज कॉग्निटिव थेरेपी, वहां पे ये आपको डिटेल में उसके क्या अजम्पशंस है, देन कोर स्कीमास का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थेरेपी इनकरेज द क्लाइंट टू सीक पर्सनल ग्रोथ एंड एक्चुअलाइज देयर पोटेंशियल, राइट अबाउट द थेरेपीज विच आर बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल, ठीक है. आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर आई थिंक सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये कौन सी थेरेपी है. डेफिनेटली ये ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बात हो रही है, जहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल को, एक्सप्रेशन ऑफ देयर सेल्फ, फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं. तो ये सारी थेरेपी बेसिकली ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज की कैटेगरी में आ जाती है. एंड यहाँ पे आपको इन थेरेपीज के फंडामेंटल अजम्पशंस क्या है वो एक्सप्लेन करना है, कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस, देन ट्रीटमेंट मेथड में आपको डिटेल में जो भी लोगोथेरेपी है एंड गेस्टाल्ट थेरेपी, लोगोथेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी एंड क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये तीन बेसिक थेरेपीज है, जिसमें कि जो प्रीवियस टू है लोगोथेरेपी एंड द गेस्टाल्ट थेरेपी, दिस इज मोर एग्जिस्टेंशियल एंड लेस ह्यूमनिस्टिक, एंड इन द थर्ड वन इज द क्लाइंट सेंटर थेरेपी, इज प्योरली ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, इट इज गिवन बाय कार्ल रोजर्स, ठीक है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है, जहां पे बेसिकली कोई टेक्निक यूज ही नहीं हुई है, बस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पूरी थेरेपी है. देन नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी एंड इनुमरेट सम ऑफ द अल्टरनेटिव थेरेपीज. हियर द टू क्वेश्चन आर मिक्स, ठीक है. फर्स्ट सेक्शन जो आपके क्वेश्चन का है ये एक्सप्लेन कर रहा है वॉट आर द फैक्टर्स जो कि हीलिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट आपका अल्टरनेटिव थेरेपीज का है, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में आपको जो फैक्टर्स हैं बेसिकली जो थेरेप्यूटिक सॉरी पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर है, जिसे हम पेशेंट वेरिएबल कह रहे हैं, थेरेपिस्ट वेरिएबल जो है वो डिस्कस करना है. एट द सेम टाइम फोर और इम्पॉर्टेंट चीजें जैसे थेरेप्यूटिक अलायंस है और रिलेशनशिप जो है थेरेप्यूटिक की थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो एक फैक्टर है, किस तरह से आपका कैथारसिस का प्रोसेस हो रहा है वो एक फैक्टर है. सो इन फोर फाइव फैक्टर्स जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स. देन अल्टरनेटिव थेरेपीज में योगा एंड मेडिटेशन, बेसिकली SKY, सुदर्शन क्रिया योगा, एंड एक और योगा टेक्निक है और विपासना मेडिटेशन, ठीक है. ये दोनों की टेक्निक आपको यूज करनी है, कुंडलिनी योगा भी इसमें आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द टेक्निक्स यूज इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, ठीक है. द लास्ट टॉपिक ऑफ द
योर चैप्टर, आपके चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट, वहां पे कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि आपका है ऑक्यूपेशनल थेरेपी है एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है, कॉग्निटिव रीट्रेनिंग है एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग है. ये इन चारों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है इन दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कोई नहीं है, बट लिटिल बिट आगे आएंगे. एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सिंपल लैंग्वेज में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो देर इज नो कन्फ्यूजन. देन नेक्स्ट इज हाउ वुड अ सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट अकाउंट फॉर अ फोबिक फियर ऑफ लिजर्ड्स एंड कॉकरोचेस, हाउ वुड अ साइको एनालिटिक अकाउंट फॉर द सेम फोबिया. दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन. दिस इज डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज होंगे और थोड़ा सा आपको डाउट आएगा. फर्स्ट पोर्शन में आपको सोशल लर्निंग थ्योरीज की बात करनी है. सो सोशल लर्निंग थ्योरी दैट्स मीन डेफिनेटली बिहेवियरल थेरेपी. बिहेवियरल थेरेपी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, सोशल लर्निंग प्रिंसिपल और यू कैन से द लर्निंग प्रिंसिपल सिंपली. सो फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए दिस इज द बेस्ट थेरेपी. द बिहेवियरल थेरेपी स्पेसिफिकली द सिस्टमेटिक डीसेंसिटाइजेशन, दिस इज द टेक्निक विच इज वेरी मच सुटेबल फॉर द फोबिक पेशेंट्स, ठीक है. देन आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है कि बिहेवियर थेरेपी का क्या कॉन्सेप्ट है, देन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का क्या प्रोसेस एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर द फोबिक पेशेंट्स. आफ्टर दैट हाउ द साइको एनालिसिस एनालिस्ट और यू कैन से द साइको एनालिसिस थ्योरी किस बेसिस पे सेम प्रॉब्लम का, दैट फोबिया का किस तरह से ट्रीटमेंट करती है. तो यहाँ पे आपको उसको कंपेयर करना है, ठीक है, कि साइकोडायनेमिक थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है. दिस इज नॉट वेरी लार्ज क्वेश्चन, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में है एंड आई थिंक मैं रीड कर दूं तो आप ज्यादा क्लियर होगे. सो सोशल लर्निंग थ्योरीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट अवर एक्सपीरियंसेस एंड बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव सच एज फोबिया ऑफ लिजर्ड और कॉकरोचेस आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस विच स्टार्ट अर्ली इन लाइफ. दैट इज डेफिनेटली हम लर्न करते हैं ये फियर, दैट्स वाई हमें फियर होता है, फोबिया डेवलप करते हैं हम थ्रू दी लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, किसी से भी हो, कॉकरोच हो, लिजर्ड हो या कोई भी एनी अदर रेपिटाइल हो. सो स्मॉल चिल्ड्रन कैन प्ले विद स्नैक्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर इन्वॉल्व, फॉर देम इट इज जस्ट अनदर प्ले ऑब्जेक्ट. सो एज दे ग्रो अप द फियर ऑफ दीज थिंग्स आर इंस्टिल्ड बाय देयर पेरेंट्स एंड सोसाइटीज विच इज रीइंफोर्स एंड अकाउंट्स फॉर रिएक्शन लाइक फोबिया, ठीक है. जो अर्ली चाइल्डहुड में आप बात करो तो जो छोटी चिल्ड्रंस हैं दे कैन नॉट अवेयर अबाउट दी फियर, ठीक है. फियर का कॉन्सेप्ट हम बेसिकली अक्वायर करते हैं, दिस इज नॉट द इननेट प्रोसेस, दिस इज नॉट द बाय बर्थ प्रोसेस, बाय बर्थ मोटिवेशन यू कैन से. सो हम फियर जनरेट करते हैं, फियर लर्न करते हैं थ्रू द सेम प्रोसेस जिसके थ्रू हम अदर बिहेवियर लर्न करते हैं. सो डेफिनेटली छोटे बच्चे स्नेक से प्ले करेंगे, बट जैसे जैसे सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उनके पेरेंट्स का रिस्ट्रिक्शन आएगा, दे लर्न फियर. तो डेफिनेटली फोबिक फियर जो है वो भी लर्न है एंड उसे भी हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू उसे रिलीव कर सकते हैं. एंड अ साइकोलॉजी इतनी बार यहाँ पे तक हमने बिहेवियर थेरेपी की बात की कि हमने, क्योंकि ये लर्निंग प्रिंसिपल के बेस है, दैट्स व्हाई सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक को यूज करके हम फोबिक फियर को ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक. नाउ द साइको एनालिटिकल थेरेपी. सो अ साइको एनालिटिकल अकाउंट फॉर द सेम कुड इन्वॉल्व एट्रीब्यूशन टू सम अनकॉन्शियस और एन रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन योर चाइल्डहुड यू वॉच अ ग्रुप ऑफ राउडी बॉयज and brutally torturing a cockroach or a snake which eventually died. So although you going about the incident after some days, but it might remain in back of your mind forever, so which might explain your phobia to cockroaches, which might remind you of the incident and disturb your emotionality. Okay, so on basis of psychodynamic, ऑन बेसिस ऑफ साइकोएनालिसिस ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ये फियरफुल बिहेवियर है, फोबिक बिहेवियर है, ये बेसिकली आपके चाइल्डहुड मेमोरी से रिलेटेड है. एंड सपोज हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जिसके थ्रू आपने लर्न किया है ये फियर. और क्योंकि आपको अगर प्रेजेंट टाइम में आप कॉकरोच देखते हो या लिजर्ड देखते हो तो आपकी वो प्रीवियस मेमोरी, जो पास्ट मेमोरी थी, वो ट्रिगर हो जा रही है और वहां से वो सारे इमोशनल अनबर्डन जो था, जो डिस्टर्बेंस था, इमोशनल डिस्टर्बेंस, वो वापस से जनरेट हो रहा है. दैट्स वाई आप उससे फियर, आपका फोबिया जनरेट हो रहा है या आप उससे फियरफुल हो, ठीक है. तो ये बिलीव करते हैं साइकोएनालिसिस, ये आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था बट आंसर इज क्वाइट इजी.
सो समटाइम होता है कि जब क्वेश्चन बहुत इनडायरेक्ट हो, बहुत ही ट्रिकी हो, आप क्वेश्चन रीड करके आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली उसका आंसर जो होता है वो बहुत ईजी रहता है, बस आपको पता नहीं होता है, आप अवेयर नहीं होते, दैट्स व्हाई आपको डिफिकल्ट लगता है. सो नेक्स्ट इज, शुड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ECT बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? अगर आपने पढ़ा है सो यू डेफिनेटली आप कहोगे कि येस. ठीक है, ECT इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट मेथड विच वी यूज फॉर मेंटली इल पेशेंट, एंड डेफिनेटली इट इज अंडर द बायोमेडिकल थेरेपी. ECT इज अंडर द बायोमेडिकल थेरेपी, जहां पे आप ड्रग्स यूज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक शॉक्स को भी, जो कि माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक को थ्रू इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल पेशेंट. सो यहाँ पे आपको ECT का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देना. एट द सेम टाइम आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ECT जनरली नहीं यूज की जाती, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, और कौन कौन सी कंडीशन में यूज की जाती है, इससे रिलेटेड आपका कंटेंट सफिशियंट है आपके बुक में, वो पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली मैंशन करने हैं. Then next question is, what kind of problems is cognitive behavior therapy best suited for? ठीक है, basically कौन कौन सी problems है जिसके लिए, कौन कौन से mental disorders है जिसके लिए CBT या cognitive behavior therapy सबसे ज्यादा suitable है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, definitely anxiety, depression and mood disorder या panic attacks, इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल है. एट द सेम टाइम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के लिए भी, कुछ पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है उसमें भी ये बहुत सुटेबल है. सो CBT इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज एनजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी. ये आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद पॉइंट्स बताना है कि CBT में एक्चुअली होता क्या है, हाउ वी ट्रीट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं ऐसे पेशेंट्स को. So this is the answer. यहाँ पे ये answer mention करना है. This is all about the NCERT question. Let's move to the another question, which are additional question are basically. Or here the short answer type question and long answer type question. ठीक है, and very short answer type question. Three categories are here. So first of all, long answer type questions. Additional questions. So first of all, long answer type question. First is, what are the basic assumptions of behavioral therapy? ठीक है, क्या assumption है, क्या believe करता है behavioral therapy? Basically, they focuses on the present scenario. ठीक है, present symptoms पे focus करता है. ये past और future पे नहीं focus करता है. First point. Second is, this is also very directive method. बहुत ही डायरेक्टिव मेथड है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, स्पेसिफाइड टेक्निक के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है. देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स एंड वी सेलेक्ट दीज टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, कह सकते हैं कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, उसके बेसिस पे हम टेक्निक सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, और क्या क्या अजम्पशन है, क्या बिलीव करता है, बेसिकली ये लर्निंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, स्पेशली सोशल लर्निंग थ्योरीज प्रिंसिपल पे. ठीक है, सोशल लर्निंग की जो थ्योरीज है उसमें जो प्रिंसिपल्स है उस पर बेस्ड है हमारा बिहेवियर थेरेपी. एंड और जो भी इसमें है, जैसे ये पास्ट फॉल्टी पैटर्न्स को मानता है रीजन, बेसिकली मैल अडेप्टिव बिहेवियर, द फॉल्टी लर्निंग, ये सारे कॉजेज होते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को डेवलप होने में, एबनॉर्मल बिहेवियर को डेवलप होने में. दीज आर बेसिकली अजम्पशन ऑफ द बिहेवियर थेरेपी. ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है इन दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज, डिस्कस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज इन बिहेवियर थेरेपीज. सो हियर डोंट नीड टू एक्सप्लेन द whole assumption and the what is the behavioral therapy. ठीक है, just one or two line में और minimum एक paragraph में आप simply बताओगे what is behavioral therapy. After that just start the techniques, because the techniques are already too long, तो आपको detail करने की जरूरत नहीं है. बस आपको yes, but two important point, the antecedent operation and the consequent operation, ये definitely आपको explain करना है in the treatment. ठीक है, जब जहां पर भी techniques पूछी जाए, treatment पूछी जाए, definitely आपको the antecedent operation and the consequent operation ये mention करना ही करना है. Okay, after that the होल थेरेपीज. ठीक है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव विथ एग्जाम्पल.
हियर इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हर टेक्निक के साथ आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि एकदम रियल लाइफ सेटिंग का हो वो एड ऑन करना है, जैसे कि आपका आंसर जो होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा और कंप्लीट होगा. विदाउट एग्जाम्पल इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा. यू जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन नॉट मेंशन द एग्जाम्पल, सो डेफिनेटली कुछ मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे. सो आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करना है हर टेक्निक के साथ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट विच इज हाउ इज ट्रांसफेरेंस अ साइको एनालिसिस. ठीक है, ट्रांसफेरेंस क्या है साइको एनालिसिस में, तो दिस इज द बेसिकली अ ट्रीटमेंट मोडालिटी जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं. सो देयर इज ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस. ठीक है, जहां पे जो थेरेपिस्ट है वो एक अथॉरिटी फिगर है एंड वी ट्रांसफर अवर आइडियाज, अवर थॉट्स, अवर फीलिंग्स. ठीक है, वट एवर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, दैट्स वाई द ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस इज द पॉजिटिव और निगेटिव both. ठीक है, सो इन पॉजिटिव the client show the affection, love, ठीक है, towards the therapist. ठीक है, वो affection develop कर लेगा या affection show करेगा, love show करेगा, care show करेगा. ठीक है, even वो उसको desire भी रहेगी कि जो therapist है वो उसको consider करे, उसकी care करे, उसको concern करे. ठीक है, और in a negative reinforcement यहाँ पे hostility feeling होगी, aggressive behavior होगा, frustration होगा. ठीक है, वो लाइक नहीं करेगा थेरेपिस्ट को, उसकी कोई भी बात नहीं मानना चाहेगा. सो इस टाइप का होगा ये ना निगेटिव ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस. बेसिकली हमारा जो ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस होता है वो किस चीज से होता है, हमारे हमारे चाइल्डहुड मेमोरी में जहां पे बहुत सारी चीजें सप्रेस रह गई हैं और एक पनेटिव फादर या कह सकते हैं कि इग्नोरिंग जो मदर है उसकी उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं. सो दिस इज द ट्रांसफेरेंस, होल ट्रांसफेरेंस प्रोसेस, स्पेशली द ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस पॉजिटिव एंड निगेटिव. ये आपको डिटेल करना है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन इन साइको एनालिसिस. दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटी द इंटरप्रिटेशन. ठीक है, बिफोर पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, फ्री एसोसिएशन, देन ड्रीम इंटरप्रिटेशन. ऑन दीज टू के बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट किया, द प्रॉब्लम. ठीक है, हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे. आफ्टर दैट हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ट्रांसफेरेंस से, ट्रांसफेरेंस रेजिस्टेंस देन द इंटरप्रिटेशन. सो इन इंटरप्रिटेशन देयर आर टू इंपॉर्टेंट टेक्निक, द क्लैरिफिकेशन एंड द कन्फ्रंटेशन. एंड द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ द क्लैरिफिकेशन एंड द कन्फ्रंटेशन इज नोन एज वर्किंग थ्रू. तो ये चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू. इसके थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, द आउटकम ऑफ द वर्किंग थ्रू. क्या, ठीक है, आउटकम क्या आता है इस वर्किंग थ्रू का, बेसिकली द इंटेलेक्चुअल इनसाइट या इमोशनल इनसाइट. ठीक है, तो ये दोनों इनसाइट आती है, इंटेलेक्चुअल इनसाइट एंड द इमोशनल इनसाइट. तो व्हाट इज इनसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट द टू टाइप ऑफ इनसाइट वो एक्सप्लेन करना है, एंड द फीडबैक जो लास्ट स्टेप होता है साइकोडायनामिक का वो भी एक्सप्लेन करना है. दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. मूव टू द short answer type question, after that the very short answer type question. So first of all, short answer type question. Okay? So first is, how would the therapist formulate the problem of a client? Okay? That means, किसके through हम client की problems को understand करते हैं या और जो steps required होते हैं psychotherapy में basically. So steps in the step in the formulation of a client's problem. आई थिंक जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके टू या थ्री पेजेस के बाद एक बॉक्स है, बॉक्स में ये चीजें दी है, देयर आर थ्री स्टेप्स जिसे क्लियरली मेंशन किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी, देन द लास्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देन किस एरिया से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम, मे बी द एरिया इज अ पर्सनल और ऑक्यूपेशनल और रिलेशनशिप. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरिया से वो प्रॉब्लम आ सकती है. सो आइडेंटिफाई द एरिया जहां से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, देन लास्ट वन दी चूजिंग द ट्रीटमेंट टेक्निक. ठीक है, कौन सी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, कौन सी मेथड हम यूज करेंगे फॉर ट्रीटमेंट, दिस यहाँ पे जिस पॉइंट हम ये डिसाइड कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट स्टेप जहां पे हम टेक्निक चूज कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट. सो दीज आर द थ्री स्टेप्स जिसे हम फॉलो करते हैं. सो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तीन स्टेप्स आपको डिटेल में करने हैं. दिस इज नोन एज क्लिनिकल फॉर्मुलेशन. द होल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दीज थ्री स्टेप इज बेसिकली नोन एज द क्लिनिकल फॉर्मुलेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड
in the process of psychotherapy. So unconditional positive regard kya hota hai? This is the concept jahan pe hum client ko without any judgment, that means non-judgmental attitude se accept kar rahe hain, and jahan pe hamara jo behavior hai bahut hi genuine hai, appropriate hai, hum वार्मनेस के साथ लिसनिंग कर रहे हैं जो भी क्लाइंट बता रहा है हमें. ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल पैसिव हैं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है. वी शोइंग इंटरेस्ट एंड अफेक्शन एट द सेम टाइम द वार्मनेस, ठीक है, वार्मनेस की फीलिंग के साथ हम उसको जो कि लिसन कर रहे हैं. एट द सेम टाइम हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज विदाउट एनी जो कि बायसेस, ठीक है, किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज से बायस नहीं हो रहा है. हम उसे एज न्यूट्रली एकदम ट्रांसपेरेंट वे में हम उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ठीक है, अनकंडीशनल, देर इज नो कंडीशन, ठीक है, विदाउट कंडीशन, गुड और बैड, एक्सेप्टिंग नॉट एक्सेप्टिंग, ऐसी कोई भी कंडीशन हम नहीं रख रहे हैं. दिस इज द अनकंडीशनल, देन द पॉजिटिवली रिगार्ड, ठीक है, हम उसे एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं पॉजिटिव वे में. Now next question is, what is empathy? This is also very tricky, simple question. And how it is different from sympathy? So you have to compare the sympathy and the empathy. Then next is, explain main features of therapeutic relationship. This is important question. Those are not, ठीक है, 2009-2014 में दो बार ये question repeat हुआ है. This is important question. So explain main features of therapeutic relationship. सॉरी, यहाँ पे थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या थेरेप्यूटिक अलायंस के जो भी फीचर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि रिलेशनशिप में वार्मनेस होनी चाहिए, थेरेपिस्ट की कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जैसे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड और लिसनिंग एबिलिटी, एट द सेम टाइम पोलाइटनेस, वार्मनेस, जेन्यूनेस, बहुत सारी चीजें हैं वो डिस्कस करनी है. बेसिकली द एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, या जेन्यूनेस कह सकते हैं, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एड ऑन करनी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट इन डिफरेंट साइकोथेरेपीज. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये सिक्स डायमेंशन था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया द थ्री बेसिक थेरेपीज, उसमें एक पॉइंट था जहां पे हम द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी, ये सेक्शन हमने एक्सप्लेन किया था. सो दिस इज द, बिकॉज दिस इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको बस वही डायमेंशन को लेके द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट तीनों थ्योरीज को कंपेयर करना है, द साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल एंड द ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल. इन तीनों डायमेंशन के बेसिस पे आपको इन तीनों थेरेपी को आपको इस पर्टिकुलर डायमेंशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर देना है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ साइकोडायनेमिक थेरेपीज आर डिफरेंट फ्रॉम लोगोथेरेपी. ठीक है, साइकोडायनेमिक थेरेपी जहां पे हम फोकस कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस को, बेसिकली द चाइल्डहुड मेमोरीज जहां से प्रॉब्लम अराइज हो रही है. जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही कमांडिंग डायरेक्टिव टेक्निक्स है, जहां पे जो फुल कंट्रोल है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो थेरेपिस्ट के हाथ में है. जबकि इसके जस्ट अपोजिट है हमारा एक्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, जहां पे जो क्लाइंट है वो सेंटर में है, क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे हम सिचुएशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि हम एक स्पिरिचुअल सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं. कुछ एक्सटर्नल एनर्जी है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं और अपने सेल्फ एग्जिस्टेंस को, या कह सकते हैं हमारा जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उससे हम चीजों को देख रहे हैं. सो यहाँ पे हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं. तो क्या साइकोडायनेमिक का अजम्पशन है और क्या लोगोथेरेपी का अजम्पशन है, स्पेशली एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का क्या अजम्पशन है, इन दोनों बेसिस पे आपको कंपेयर करना है. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज यूज्ड इन साइको एनालिसिस टू एलिसिट द नेचर ऑफ इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट. सो डेफिनेटली आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम इज द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सिम्बॉलिक वे में यहाँ पे हमारे अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स, आइडियाज, कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस होते हैं इन द वे ऑफ सिंबल्स. ठीक है, सिंबल्स के वे में हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड में डिजायर्स है, नीड्स है, वो फुलफिल की जाती है, या कह सकते हैं एक्सप्रेस की जाती है. ठीक है, सो उनका हम इंटरप्रेट, उन सिंबल्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, उससे मीनिंग डिराइव करते हैं, और ऑन दिस मीनिंग वी अंडरस्टैंड द इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट इज, हाउ योगा इज यूजफुल
फॉर गुड मेंटल हेल्थ. सो सुदर्शन क्रिया योगा एंड द कुंडलिनी योगा, ये दोनों योगा टेक्निक्स एंड किस तरह से हमारी ये रूट से कनेक्टेड है एंड हाउ मच दिस इज इफेक्टिव फॉर द मेंटली इल पेशेंट, इन सारे पॉइंट्स पे व्हाट आर द रिसर्चेस जो कि हो रही है इस फील्ड में रिसेंटली ये कितना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है. सो ये सारी चीजों के बेसिस पे आपको ये थोड़ा सा समराइज करना है. इसमें आपका थोड़ा सा करंट अफेयर और जीके भी लगेगा, क्या क्या आप लेटेस्ट इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फ्यू क्वेश्चन आर ऑल्सो रिमेनिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ आरईटी, रैशनल इमोटिव थेरेपी. सो क्या इसका मेन फीचर है वो एक्सप्लेन करना है. बेसिक अजम्पशन क्या है, इनरैशनल बिलीफ जो कि हमारा है. सो एलिस ने ये एक्सप्लेन किया था कि ये एबीसी मॉडल जो है, ठीक है, एंटीसिडेंट बिलीव एंड द कॉन्सिक्वेंस. सो एबीसी मॉडल को एक्सप्लेन करना है और इसके बेसिस पे इसको इसका जो ट्रीटमेंट मेडोलिटी है वो एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट इज हाउ आरईटी इज डिफरेंट फ्रॉम आरन बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी. ठीक है, जब टर्मिनोलॉजी के सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है, वो एबीसी मॉडल पे फोकस करते हैं और यहाँ पे आरन बेक कोर स्कीमास पे फोकस करते हैं. द टर्म इज डिफरेंट बट ऑलमोस्ट द मीनिंग इज सेम ऑफ बोथ कॉग्निटिव थेरेपीज, बट दे यूजिंग द डिफरेंट टर्म, दे यूजिंग इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स इन अ डिफरेंट वे. सो डेफिनेटली आपको क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या क्या कॉन्सेप्ट में वो एक्सप्लेन करना है. वो कोर स्कीमास की बात कर रहे हैं आरन बेक, जबकि एलिस बात करते हैं हमारे एबीसी मॉडल की. सो इसके बेसिस पे दोनों में कंपेयर कर लेना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी द सीबीटी, देन द डिस्कस मेन फीचर ऑफ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी. क्या मेन फीचर्स है, क्या अजम्पशन है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की. तो ये सारी थेरेपीज के जब अजम्पशन पूछे जा रहे हैं तो ये अलग से नहीं आपके बुक में मेंशन है, बट आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जहां पे बताया जा रहा है कि ये थेरेपी है क्या, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दी थेरेपी, वहां पे आपको अजम्पशंस पॉइंट वाइज मिलेंगे. सो उन्हें आपको पढ़ के रीड करके उसमें से पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये आपको 11th से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, क्लास 11th में आपको मैस्लो की थ्योरी पढ़ाई गई है. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड हियर इन द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की, जो कि मैस्लो जो थे वो बहुत बड़े ह्यूमनिस्टिक ह्यूमनिस्ट के सपोर्टर्स थे, तो दैट्स वाई उनकी जो थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमनिज्म में आता है. और ये कॉन्सेप्ट आपको अगेन यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है इन अ डिफरेंट वे. नाउ द डिस्कस द एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी. ठीक है, जो एथिक्स है उसमें जहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट की बात कर रहे हैं हम, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे एक्सप्लेन करने हैं जो भी एथिक्स है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मॉडलिंग एज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, शायद ही कभी आता है ये, बट स्टिल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है वहां पे. बट आपको यहाँ पे मॉडलिंग पूछा है तो डेफिनेटली आपको मॉडलिंग ही बताना होगा. एंड द बेंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, बेंड्यूरा का एक एग्जाम्पल शायद आपको याद हो, मैंने क्लास 11th में भी आपको ये एग्जाम्पल पढ़ाया था इन द चैप्टर 6 लर्निंग. ठीक है, लर्निंग में जब हम मॉडलिंग पढ़ा रहे थे तो बेंड्यूरा का एक एग्जाम्पल था जिसे लिया था हमने. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एग्जिस्टेंशियल एंड ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर डिफरेंट फ्रॉम साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरल थेरेपीज. ठीक है, किस पॉइंट पे डिफरेंट है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वो एक्सप्लेन करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जिसकी बात की थी कॉग्निटिव थेरेपी में, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो क्लास अवर 5 चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड द ओनली 2 चैप्टर इज रिमेनिंग विच इज द सोशल इन्फ्लुएंसेस, द चैप्टर 7 एंड द इन चैप्टर 6 यू हैव टू यू विल स्टडी अबाउट द एटीट्यूड. ठीक है, एटीट्यूड एंड द अदर इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, वहां पे वो पढ़ो गया एंड द नेक्स्ट चैप्टर द चैप्टर 7 इज द सोशल इन्फ्लुएंसेस. सो योर ऑलमोस्ट सिलेबस इज फिनिश्ड, यू आर इन द चैप्टर 5 जो आज वो भी कंप्लीट हो गया. सो सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं. सो मैक्सिमम 5 चैप्टर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका नोट्स मुझे आप ईमेल आईडी पे शेयर करो. ठीक है, मैंने बोल रखा, अभी मैंने कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था कि सिर्फ 2 चैप्टर्स तक का मैक्सिमम नोट्स मुझे शो करो इन जो 2 डेज का वीकेंड हुआ था, सैटरडे संडे. बट अब टाइम नहीं है. सो डेफिनेटली आप कंप्लीट करो नोट्स जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकती है. एंड
पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ में करने हैं। अगर आप सेम नोटबुक में कर रहे हो सो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हो तो एक अलग से एक पतली सी नोटबुक बना लो जिसमें आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करो हर चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव तक का, और जो मुझे जल्दी से जल्दी आप शो करो। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, हमारे जो दो चैप्टर बचा है उसे भी जब हम कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकल्स पे मूव ऑन करेंगे। क्लास ट्वेल्थ आपके सिलेबस में 5 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से एक प्रैक्टिकल आपका चैप्टर वन से है इंटेलिजेंस, देन पर्सनालिटी जो सेकंड चैप्टर है आपका एक प्रैक्टिकल उससे है, देन 3 प्रैक्टिकल्स और हैं जो आप एक सोशल थ्योरी से कर सकते हो, मतलब जो चैप्टर 6 में अभी पढ़ाऊंगी उससे एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, बाकी एक प्रैक्टिकल और आप चैप्टर 1 से कर सकते हो जैसे एप्टीट्यूड का या इंटरेस्ट का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल्स जिसके बारे में मैं ब्रीफली आपको फिर अगेन डिटेल में इंट्रोड्यूस करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर थ्योरी पोर्शन एंड कंप्लीट इट, जितनी जल्दी आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उतनी जल्दी हम प्रैक्टिकल्स में मूव ऑन कर पाएंगे। सो कॉन्सेंट्रेट हियर एंड कंप्लीट योर नोट्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी जस्ट स्टार्ट द चैप्टर 6।